मैं तो कहता हूँ इसे रौडी शीट इसकी तड़ी पार भी करना चाहिए एक एमएलए होने के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई जुरत करता है और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सख्ती से कानून नहीं लगता है तो ये सिर्फ एक मज़हब की बात नहीं होगी, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान की बात होगी। जो अच्छी सोच रखते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हिंदू समाज में अच्छी सोच रखने वाले नहीं है, बल्कि नहीं, उन्हें भी अच्छी समाज में अच्छी सोच रखने वाले। कि एक ऐसा शख्स जो इतनी बड़ी जरूरत करता है, इतनी बड़ी हरकत करता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक शहर के नहीं, एक रियासत के नहीं, एक पूरे हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल आहत होते हैं, वैसे शख्स को एक ही दिन में अगर बेल हो जाती है तो ये नाकामी है पुलिस की। कानून का मजाक बना चुके हैं ये लोग, ऐसे लोगों के ऊपर UAPA लगाना चाहिए। अमन खराब जो आदमी करता है, ये गद्दार जो देश का गद्दार रहता है, उन्हें अमन खराब करता है। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hill Circle Ring Road, Gulbarga. Gulbarga शहर में पिछले दो दिन से हैदराबाद के अंदर बीजेपी का MLA जो राजा सिंह नाम का MLA है उसके खिलाफ शहर हिंदुस्तान के अंदर, हैदराबाद में नहीं क्योंकि शहर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में गुस्सा रोडों पर आकर निकल कर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ज़िले के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमानों को एक तकलीफ़ हुई है। उसी के ख़िलाफ़ गुलबर्गा शहर के अंदर रोज़ा लिमिट के अंदर आज सुबह में कश्मीर पुलिस कमिश्नर को भी एक मेमोरेंडम दिया गया है FIR करने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद की जानिब से। और यहाँ पर हमारे रोज़ा लिमिट के अंदर जनाब CPI हमारे सदाशिव साहब को, यहाँ पर हमारी JDS टीम और गुलबर्गा शहर की आवाम से हम कहना चाहते हैं कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में इस केस को, कैसे कि चौक में एक FIR हो चुका है, इंशाल्लाह यहाँ भी कोशिश करके इंशाल्लाह हमारे सर्कल साहब भी इसको कमिश्नर साहब को भिजाएंगे। और मैं गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ कि ऐसे गंदे नाली के कीड़े को गुलबर्गा शहर के अंदर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी गुलबर्गा आ चुका है, आकर जा चुका है। ऐसे MLA को गुलबर्गा शहर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। गुलबर्गा रोज़ा पुलिस स्टेशन से मैं अपील करता हूं कि गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को गुलबर्गे में आने भी नहीं देना चाहिए। और इसके ऊपर ये तो एक छोटा मोटा केस करके वो लोग पुलिस स्टेशन केस भी हो गया, उसकी बेल भी हो गई, कानून का मजाक बना चुके हैं ये लोग। ऐसे लोगों के ऊपर UAPA लगाना चाहिए, जितने कानून आते हैं कानून के हिसाब से, इसे बाहर नहीं आने के हिसाब से, वो हिसाब से इसे डालना चाहिए। इसे मैं तो कहता हूँ इसे रौडी शीट इसकी तड़ी पार भी करना चाहिए एक MLA होने के बावजूद, जो संविधान में लिखा गया है कि खसम खाता है वो MLA बनने के बाद उसको सर्टिफिकेट दी जाती है, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट को उसके ऊपर तड़ी पार, उसके ऊपर रौडी शीट, MOB जितने कानून है हमारे कानून के अंदर उसके ऊपर, उसको पूरे कानून के ऊपर उसके डालना चाहिए। उसको हैदराबाद के अंदर तो दिन दो दिन से देखा जा रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद की रिपोर्ट चल रही है कि हैदराबाद में ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो मैं गुलबर्गे के आवाम से कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह पूरे गुलबर्गे के आवाम भी यहाँ पर पीस है, यहाँ पर पीस ही रहेगा, और गुलबर्गा के पुलिस डिपार्टमेंट भी हमेशा हमारे साथ देती है, हमेशा हमें हर काम में आगे आगे आती है पुलिस डिपार्टमेंट। इंशाल्लाह जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम इसके अंदर कोर्ट से हम करेंगे इसको, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसको यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, और जहाँ तक हम कर सके हैं इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे, जो भी कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे। आज यहाँ पर रोज़ा पोलिशन में हमारे तमाम JDS के सीनियर लीडर्स, एक्स कॉरपोरेटर, एक्स चेयरमैन और हमारे नॉर्थ के वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ पर आने का मकसद जो है, दो दिन पहले जो राजा सिंह जो हमारे नबी जो हमारे हुजूर के बारे में जो गलत बात करा है उसके बारे में यहाँ पर एक कंप्लेंट FIR कराना बोल के सुबह कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, और यहाँ पर आके हम एक FIR करो बोल के सर्कल साहब को बोले, इंशाल्लाह उन्होंने करते हैं बोल के हमारे को आश्वासन दिए, हमको उम्मीद है इंशाल्लाह इन्हों करेंगे। आज जो है BJP सरकार जो है अपने जो भी नाकामियाँ हैं, ये लोग पीस ख़राब करना इंडिया के अंदर, जो पीस ख़राब करना एक चार छः महीने में हर कोई जो है ये लूज टॉकिंग करना, हमारे दीन के मज़हब के बारे में बात करने का मकसद इनका ये है कि भाई इनके जो गलत कारनामे हैं, ये लोग अपने गलत कामों को छुपाने के वास्ते जो अच्छी सोच रखते हैं, ऐसा नहीं कि भाई हिंदू समाज में अच्छी सोच रखने वाले नहीं है, बल्कि नहीं, उन्हें भी अच्छी समाज में अच्छी सोच रखने वाले, ये कुछ 2-3% लोग हैं जो अपने समाज को उनके ख़राब कर रहे हैं। मैं तमाम हर मज़हब के लोगों से अपील करता हूँ कि भाई आप ऐसे लोगों के वास्ते यहाँ पर कास्ट
और कम्युनिटी को मत देखिए, आप पूरे लोग, हम तमाम जितनी अच्छी सोच सेकुलर सोच रखने वाले हैं, ये हमारे देश को बचाने का काम करने का ये आज टाइम है। इसीलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, सब लोग आगे आके ऐसे लोगों के बारे में स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए और कानूनन इनको क्या है, छोटे मोटे एक्ट डालने से ये लोगों को कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अभी तक 50 केस उनके ऊपर हो चुके हैं। मैं आंध्र गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इनको तड़ी पार करना चाहिए और इनको देशद्रोही का केस डालना चाहिए, क्योंकि अमन खराब जो आदमी करता है, ये गद्दार जो देश का गद्दार रहता है उन्हें अमन खराब करता है। अगर वह देश के बारे में अच्छा सोचने वाला इंसान रहता तो अमन खराब करने का काम, कोई मज़हब को टारगेट करने का काम नहीं करता। तो वहाँ पर हैदराबाद की जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको आगे आना चाहिए और उसको तड़ी पार करना चाहिए, गुंडा एक्ट डालना चाहिए, क्योंकि इनका देशद्रोही का केस इसलिए डालना चाहिए कि भाई हमारे देश के अंदर, इन इंडिया के अंदर एक कम्युनलिज्म कर रहा है, कास्टिज्म कर रहा है, इससे दंगे होने के चांसेस रहते हैं, इनको दंगा भड़काने का काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को लगाम कौन करना होता है, बीजेपी सरकार आगे आना और वहाँ की आंध्र स्टेट की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उनको आगे आना चाहिए। आज तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उसको रातें रात पकड़ते हैं कि भाई एक दो दिन में रिलीज़ होता है, फिर उन जाके हाथाकड़ा के थरता है, तो ये बहुत शर्म की बात है वहाँ पर। और तेलंगाना गवर्नमेंट से जो है मेरी अपील है कि भाई आप जो है आगे आइए, उसको नॉन वेलेबल केस डाल के इमीडिएट इसको अरेस्ट करिए, वरना आने वाले दिनों में इसके बारे में हमारे नासिर उस्ताद साहब की ख्यादत में हम ये बहुत बड़ा यहाँ पर एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे बोल के आपकी मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ। आज जनता दल सेकुलर की जानिब से रोज़ा लिमिट में पूरे तमाम तर जितने जनता दल सेकुलर के कारकुनान हैं, एक्स कॉरपोरेटर्स हैं, वर्कर्स हैं, सभी लोग यहाँ पर आकर कंप्लेंट दाखिल करवाए हैं कि राजा सिंह जो कि एक पेशावर मुजरिम है, वो अव्वल तो एमएलए बनना नहीं चाहिए था, उसके ऊपर मुख्तलिफ दफाओं के तहत कानूनी कार्रवाई जो चल रही है वो अंजाम तक पहुंचनी चाहिए थी, और उसको एमएलए का कोई इख्तियार नहीं बनता है कि वो एमएलए भी बाकी रहे, क्योंकि एक मजहबी पेशवा के ऊपर वो बार बार हमले करता है। मैं एक कम्युनिटी के नाते मुसलमान की हैसियत से नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी की हैसियत से यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि एक मजहबी पेशवा जिसके साथ में वो पूरी कौम के जज्बात जुड़े होते हैं, वो जानबूझकर मुसलसल बार बार अगर वो उनको आहत करने का काम करता है, उनके दिल के जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम करता है और पूरी कौम को तकलीफ़ देने का काम करता है, तो उसको सिर्फ निलंबित करने से, सस्पेंड करने से काम नहीं बनता है। उसको जैसा कि अभी कहा गया, गुंडा एक्ट के अंदर उसको डाला जाना चाहिए, गुंडा एक्ट के अंदर उसको जो है जेल में डालना चाहिए, UAPA का कानून लगना चाहिए, क्योंकि वो इस पूरे हिंदुस्तान की अमन अमान को ख़त्म करने का काम कर रहा है, दो कौमों को लड़ाने का काम कर रहा है, मुख्तलिफ कौमों को लड़ाने का काम कर रहा है। तो लिहाजा उसको वहाँ से तड़ी पार भी होना चाहिए, तेलंगाना की हुकूमत सख्त से सख्त कानून उसके ऊपर लगाकर उसको जेल के अंदर डालना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तेलंगाना हुकूमत ने जिस तरीके से वहाँ की पुलिस ने जो कानून के तहत उसको गिरफ्तार किया, एक ही दिन में उसकी बेल हो गई। ये शर्म की बात है कि एक ऐसा शख्स जो इतनी बड़ी जुर्रत करता है, इतनी बड़ी हरकत करता है, जिसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ एक शहर के नहीं, एक रियासत के नहीं, एक पूरे हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल आहत होते हैं, वैसे शख्स को एक ही दिन में अगर बेल हो जाती है तो ये नाकामी है पुलिस की कि वो लोग ऐसे कवानीन डालते हैं जिसके बिना पर बड़ी आसानी से बेल हो जाती है। उसके ऊपर गुलबर्गा शहर में भी अगर FIR हुई है, वो FIR के अंदर सख्त से सख्त कवानीन डालने चाहिए, 153A डालना चाहिए, उसके साथ साथ गुंडा एक्ट का उसके अंदर मेंशन होना चाहिए, मुख्तलिफ कवानीन जिसकी वजह से उसकी बेल ना हो सके, वैसे कवानीन के तहत उसको जेल में डालने का काम पुलिस को करना चाहिए। आज अगर ऐसे लोगों की, ऐसे शरपसंदीदा लोगों की जो मजहबी पेशवाओं के ख़िलाफ़ में आवाज़ बुलंद करते हैं, वैसे लोगों की हिम्मत अफजाई होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ BJP हुकूमत में ही हो रहा है। ये इससे पहले स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा, वो आज भी वो हिरासत में नहीं है, वो जेल नहीं गई है, उसको बड़ी आसानी से ऐसे कवानीन डाले जाते हैं जिसकी बिना पर वो जेल नहीं जाती है। वही काम राजा सिंह के साथ होता है, कल कोई और आके उठ जाता है। हमारा ये मुतालबा है कि आज इस हिंदुस्तान में
ऐसे कानून की ज़रूरत है कि कोई एक शख्स भी अगर मजहबी पेशवाओं के ताल्लुक से कोई गैर महजबाना अल्फाज इस्तेमाल करता है, गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो उसके ऊपर हुंडा एक्ट, UAPA एक्ट लगकर उसको हिरासत में लेना चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए और उसको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि एक नफ्स की बात नहीं है, ये पूरे कौम की बात होती है कि किसी एक मजहबी पेशवा पर, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई जुरत करता है और उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सख्ती से कानून नहीं लगता है, तो ये सिर्फ एक मज़हब की बात नहीं होगी, ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान की बात होगी। और रहमतुल आलमीन हम लोग कहते हैं, पूरे दुनिया की, पूरे कायनात के लिए वो रहमत बनकर आए हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। ऐसी शख्सियत पर अगर ऐसे मजहबी पेशवा पर अगर वो सवाल उठाता है और गंदे अल्फाज का इस्तेमाल करता है, कोई भी शख्स हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पर गुलबर्गा शहर में भी जो FIR दर्ज की गई है उसके अंदर गुंडा एक्ट का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद का एक राजा सिंह, BJP का MLA, जो आखा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान में नाज़ेब कुछ अल्फाज कहा है, और मैं ये हमेशा ऐसे ही कहता है, 2 महीने 4 महीने 3 महीने में ये BJP की सरकार है, ऐसे कम अकल कमबख्त लोगों को, ऐसे कार्यकर्ताओं को रख के यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को डिवाइडेड रोल चाहती है यहाँ की BJP सरकार। और मैं वहाँ की गवर्नमेंट से, KCR की गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और मुसलमानों के ऊपर जो यहाँ पर जो भड़काव ये बयान देते हैं और ऐसे लोगों को यहाँ पर ऐसे लोग तड़ी पार किया जाए, यहाँ का ये जो MLA है तड़ी पार के काबिल है। मैं गवर्नमेंट से, हुकूमत से मुतालबे करता हूँ हैदराबाद की, जो वहाँ पे इसको तड़ी पार किया जाए। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती, एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, OVC हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।